बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मास्टर जाबिर बंगश। तो जैसे कि आपको बताया कि मैं एक बेसिक एक्सरसाइज करवाने को जो मैं करवा रहा हूँ, पंचिंग ब्लॉकिंग से मैंने स्टार्ट किया है। तो अब जो बुनियादी किक, सबसे पहले जो किक बताई जाती है कराटे में, कोई भी कराटे में, वो है फ्रंट स्ट्रेच किक। अच्छा, वैसे तो ये किसी काम की नहीं है कि मतलब इसको आप हिट नहीं कर सकते हो। हाँ, उस सूरत में आप हिट कर सकते हो कि आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस हो कि मतलब आप ऊपर से लाके एक्स किक मारे, नीचे की तरफ एड़ी कोई झुका हो या आपसे हार्ड में छुटा हो, उसमें आप किक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो किक है, ये फ्रंट स्ट्रेच किक है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप पंच कैसे बनाते हैं। सपोज करो ये पंच, हाँ मैं पंच बनाऊँगा, चार उंगलियाँ बंद कर दिए, फिर उसको ये टाइट किया, फिर ये जो आपका जो थंब है ये इसके ऊपर आएगा। अगर आप ऐसी मतलब अक्सर लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, या फिर ये अंगूठा जो होता है ये बाहर होता है, ये लगने के बाद ना टूट जाता है, कहीं भी मतलब आप डैमेज हो सकते हो। तो पंच आपने यूँ बनाना है, उसके बाद फिर आपने जब पंच करना, ये दो निकल्स है, ये दो निकल्स हमेशा टच होते हैं। अगर आप ये टच करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन सिर्फ दो जो निकल्स है आप अगर वो टच करेंगे तो आपके पंच में बड़ी पावर होगी बॉडी का इस्तेमाल करने से। तो फ्रंट स्ट्रेच किक मतलब सबसे पहले हाई किक जो होते हैं, ये आपके स्टिचिंग को इम्प्रूव करते हैं। जब आप स्टिचिंग वार्म अप करते हैं, जॉगिंग रनिंग के बाद, फिर आप स्टिचिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिर जब आप किक करते हो, किक के बाद आपके उसको इम्प्रूव करते हैं, स्टिचिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मैं आपको आपके सामने अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ कि कैसे करना है फ्रंट स्ट्रेच किक करनी। ठीक है, तो ये थी फ्रंट स्ट्रेच किक। सबसे पहले जो कराटे में इस्तेमाल की जाती है आपको प्रैक्टिस के लिए, वो है फ्रंट स्ट्रेच किक। इंशाल्लाह अगली क्लास में फ्रंट जर्क किक कराता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।